क्या है अभी जो यात्रा निकली है, मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको चार महीने में उद्देश्य समझ नहीं आया? क्या है, आपसे जानना चाहते क्या है उद्देश्य? सर टी शर्ट पे बड़े सवाल हो गए। देखिए देश के अंदर ये विभिन्नताओं का दोष है। इट्स ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री इज यूनिटी। यहाँ किस प्रकार से एक इस भारत की जो फैब्रिक को फाड़ने का प्रयास किया जाता है वोटों के लिए, देश की संविधान की भारत की मूल भावना पर प्रहार होता है। कहीं क्षेत्रवाद की बात होती है, कहीं जातिवाद की बात होती है, कहीं धर्म की राजनीति है, और धर्म की और जाति और क्षेत्र की राजनीति पर वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या ये देश के लिए ठीक है? उद्देश्य यही है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने सोचा कि मुझे शायद पता नहीं, मैं बताऊंगा जरूर। ये विभिन्नताओं का देश, न जाने कितनी भाषा और बोलियां और पहनावा और वो है, इस देश के अंदर जिस प्रकार विपरीत राजनीति की नकारात्मक हवाएं चलाई जा रही सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, मेजोरिटेरियनिज्म के आइडिया पर काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये देश के लिए ठीक नहीं है। आज भारत विश्व में अपना सम्मान बना रहा है, भारतीयों का सम्मान अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है। अगर हमारा सम्मान भारतीय होने के नाते दूसरे देशों में है, तो देश के अंदर देश के वासियों का सम्मान न रहे, ये भारत को तोड़ने की कोशिश है। तो गरीब का सपना टूटता है भारत टूटता है, एक नौजवान का सपना टूटता है तो भारत टूटता है, एक बेरोजगार का सपना टूटता है तो भारत टूटता है, एक गरीब की कमर टूटती है महंगाई से तो भारत टूटता है। भारत को जोड़ने की जरूरत। 5 तारीख की रात को श्री राहुल गांधी जी के सनौली कला जिला पानीपत बॉर्डर पर पहुंचने पर शुरू होगा, वो रात्रि विश्राम सनौली कला में करेंगे। उसके बाद 6 तारीख को पदयात्रा कर पानीपत शहर में पहुंचकर एक विशाल स्टेट लेवल रैली का को संबोधित करें। उसके बाद रात्रि विश्राम उनका बाबरपुर मंडी में है, और हमारे करनाल जिले का चरण 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे लगा दीजिए आप, कोहंड गांव से, जो बाबरपुर के बाद पहला गांव शुरू होगा। कोहंड से जीटी रोड की सर्विस लेन पर चलते हुए श्री राहुल गांधी घोरंडा होते हुए मधुबन पहुंचेंगे, जो करीबन 14.5 किलोमीटर का सफर है, और मधुबन के अर्पणा हॉस्पिटल से थोड़ा ही पहले उनके दोपहर का विश्राम का कार्यक्रम है, जहां वो 10 बजे पहुंच जाएंगे। 7 तारीख को ही 4 बजे उनके यात्रा का दूसरा चरण होगा, क्योंकि सर्विस रोड मधुबन से आगे नहीं है वो पुल की वजह से, इसलिए DAV पुलिस पब्लिक स्कूल से दूसरा चरण शुरू होगा 7 तारीख। उसका समापन करनाल NDRI चौक पर करनाल शहर के अंदर से होते हुए चौधरी छोटू राम चौक, नमस्ते चौक इसको बोला जाता है, महाराणा प्रताप चौक होते हुए अर्जुन गेट, सब्जी मंडी, करण गेट, महर्षि वाल्मीकि चौराया से होते हुए वो NDRI चौक पहुँचा। में हमारे जोगिंदर चौहान जी का फार्म हाउस है, वहाँ पर ज़मीन मिली है 5 एकड़ की, यहाँ उनका रात्रि विश्राम के लिए टेंट है और यात्रियों का। अगले दिन यात्रा 8 तारीख को सुबह शामगढ़ से स्टार्ट होगी, वही 5:30 बजे का समय है, और शामगढ़ से जाकर समाणा बाहू में ये समाप्त हो जाएगी।
वहाँ पर विश्राम करने के बाद राहुल गांधी जी कुरुक्षेत्र जिला में जरवड़ी गांव से एंटर कर जाएंगे और उनकी यात्रा का अगला चरण शुरू होगा। कुल मिलाकर 64 जगहों पर विभिन्न संगठनों द्वारा श्री राहुल गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है। देर आर 64 पॉइंट्स जहां, और कांग्रेस का एक संगठित स्वरूप जिसकी चिंता सरकार को सता रही है आपको यात्रा के माध्यम से सबका एफर्ट आपको दिखाई दे। हरियाणा की सरकार ही नहीं देश की सरकार श्री राहुल गांधी जी की सफलतम राजनीतिक यात्रा से भयभीत है। कई हथकंडे अपनाने की कोशिशें हुई हैं। कभी कोविड का बहाना लगाया जा रहा था, तो लगता है ये यात्रा सेफ तरीके से हरियाणा में चलेगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सरकार दोषी रहेगी। राजीव गांधी की सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करने होंगे राहुल गांधी जी की और सरकार से हम आशा भी करते हैं। हमने नेसेसरी परमिशंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच विल बी ग्रांटेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मैं अपने राजनीतिक जीवन जितना भी मेरा रहा है, वैसे तो मैं पैदा ही राजनीति में हुआ हूँ, मैंने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का स्वागत पहले चरण में मेवात में गुड़गांव में फरीदाबाद में हुआ, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी इतना बड़ा स्वागत होता किसी व्यक्ति का नहीं देखा। सड़कों पर जिस तरह सड़कों का समंदर उमड़ आया, झूम आया, वो अपने आप में एक संकेत है बदलाव का। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार डगमगा रही है, खिली हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस के सरकार में नहीं था, लेकिन उसका अगर ये कहे जाए कि 10 गुना हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं रही है, बेरोजगारी बड़ा बड़ा मुद्दा है, नफरत के माहौल में से देश को निकालना है। देश सबका है, गुलदस्ता है, किसानों की अपनी समस्याएं, व्यापारियों की अपनी समस्याएं, किसी भी समस्या को हल करने में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार और देश में श्री मोदी जी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सफल नहीं हुई। खेल मंत्री खेल कर रहे थे, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्या हो रहा है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था, प्रताप यूनिवर्सिटी जी की आधारशिला रखी गई, यूनिवर्सिटी कहाँ है, वेस्टर्न बाईपास बनना था वो कहाँ है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी कल्पना जी के नाम से चावला जी के, वो कहाँ है। मेरा तो मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि अब उनको सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, सच में बड़ी ताकत होती है। यूनिवर्सिटी का तो नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया नाम उसका, कल्पना जी का बदल दिया गया। लेकिन ये ना समझो कि दीनदयाल जी का नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये बदले और बदली की सरकार है, कुछ ना कुछ तो बदलेगी। हम तो नहीं बदलेंगे, इस संस्कृति के नहीं हैं हम। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी से सहमत भले ही ना हो, उनकी अपनी सोच रही होगी, हम उनकी सोच का भी सम्मान करते हैं। हम विरोधियों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम उनका अपमान नहीं करते हैं, हम किसी की गर्दन फरसे से नहीं काटते हैं। फिर उसी फरसे को माथे से लगा के चूम कर मेरे 10 यक्ष प्रश्न हैं मुख्यमंत्री जी से। और अगली विधानसभा के चुनाव से पहले
मैं कहूंगा इन 10 यक्ष प्रश्नों का प्रश्न दो, वरना इस कुर्सी पर बैठने नहीं दे, जैसे यक्ष ने कहा था अर्जुन। आपको उसी टाइम सुनाएंगे ना वो 10 प्रश्न। देखिए आज उसकी पवित्रता भंग हो जाएगी प्रश्न की। आज तो राहुल गांधी जी के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है, लेकिन ये है कि अगर खेल मंत्री जी की बात आप कह रहे हैं तो सरकार की एक बहुत बड़ी जवाबदेही है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और उनकी एक निष्पक्ष जांच समाज चाहता है। धनखड़ खाप ने मांग की है और क्यों जांच ना हो और निष्पक्ष जांच के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसमें कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है जब तक खेल मंत्री मंत्री हैं, तो उसी सरकार में कौन सी निष्पक्ष जांच हो जाएगी जिसके वो मंत्री हैं, सिर्फ उस महकमे से। ये भी पहली बार सुना है सर कि वापिस दे दिया, या तो मुख्यमंत्री ले सकते थे या रिजाइन देना बनता था, ये वापिस देने वाला नया चलन क्या है सर? देखिए मैं विज जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने भी इस जांच से अपना पल्ला बड़ी कुशलता से झाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच किस प्रकार से हो ताकि खेल मंत्री का जिस प्रकार से व्यवहार रहा है एक महिला के प्रति, एक कोच के प्रति, एक एम्प्लॉय के प्रति, एक क्वेश्चनेबल बिहेवियर जो है उस पर किस प्रकार से, ये सुनिश्चित करना चाहिए उन लोगों के को जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है। कांग्रेस क्या मांग करती है? राहुल गांधी जी के यहाँ पर भारत जोड़ो आगमन से आप अब कांग्रेस को कहाँ तक मजबूत समझ रहे हैं और क्या उसका हुआ है? देखिए प्रकार से श्री राहुल गांधी जी का स्वागत पहली चरण की यात्रा में हरियाणा में हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने, पैदल चलकर तो कोई भी नहीं। उद्देश्य की बेल्ट में राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो चल रही है, तो अब करनाल से करनाल के अंदर जाएगी, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, तो क्या उनके साथ कोई और बड़े नेता जैसे प्रियंका गांधी उनके साथ चल रहे थे या अन्य बड़े नेता वो भी उनके साथ हो सकते हैं यात्रा में करनाल में? देखिए अभी तक हमारे पास पार्टी की कोई ऐसी सूचना नहीं आई है प्रियंका जी की पार्टिसिपेशन के बारे में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी और अन्य बड़े नेता पानीपत की राज्य स्तरीय रैली में उपस्थित रहे। शर्मा जी, जिसकी सोच नकारात्मक हो, पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स पॉजिटिव रिजल्ट एंड नेगेटिव थिंकिंग ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नेगेटिविटी थी उसी की वजह से जब देश स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी और उसके तत्कालीन नेताओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, भारत का नहीं दिया, देश का। एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का हो, वीर सावरकर का नाम लेते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, समझिए। एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का हो, अब ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के बुत लगे हैं उनके नाम से, एक परिवार के नाम से। मुझे बताइए इस शहर में क्या गांधी जी का बुत नहीं लगा है? शगत शहीद भगत सिंह जी का, लाला लाजपत राय का, सुभाष चंद्र बोस का, किसानों का, बुद्ध का, किसका नहीं लगा? किसके नाम की कॉलोनियां नहीं है? और इस प्रदेश में नहीं देश में कोई ऐसा स्थान राज्य बता दीजिए जहां पर देश के जिन शूरवीरों के नाम मैंने लिए हैं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री नगर नहीं है क्या? तो क्या क्यों कहा जा रहा है, क्यों ऐसी बातें? नेगेटिव सोच कि नहीं, एक परिवार कैसे है,
सबका है। हाँ तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। इंदिरा जी का कत्ल हो गया, इंदिरा जी के बुत लगेंगे। राजीव जी का कत्ल हो गया, लगेंगे। जेल गए हैं पंडित नेहरू 11 साल के लिए, जेल बनेंगे। तुम बताओ तुम्हारा क्यों लगाया जाए। हाँ अटल जी का है, उन्होंने उनका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन है। ये हमारी पॉजिटिव सोच है, ये उनकी नेगेटिव सोच है जो आप बात कर रहे थे। हमारी पॉजिटिव ये है, अटल जी देश के प्रख्यात नेता रहे, उन्होंने देश का अच्छा नेतृत्व किया, इसलिए उनके लगना चाहिए। सर राहुल गांधी जी के अभी तक 8 से 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जब से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है, तो करनाल या पानीपत में उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी कोई कुरुक्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने करनाल से सर, सर ये बड़ा सवाल है, करनाल से क्यों बचते फिर रहे हैं राहुल जी कि रैली रख दी वहां पर पानीपत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी कुरुक्षेत्र में, मुख्यमंत्री का गृह जिला है ये करनाल, यहाँ कुछ कार्यक्रम रखना चाहिए था सर। देखिए ऐसा है, कार्यक्रम वो यहाँ से पैदल चल के जा रहे हैं, और इसलिए पानीपत जो है वो हम आपको लेके चलेंगे ना साथ, मैच जहाँ होगा वहाँ भी लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बात हो रहा हो, ऐसी क्या बात, आप क्यों ऐसी निराशा की बात कर रहे हैं आप थोड़ी। अब मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पानीपत का देश की इतिहास में और राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है। पानीपत का महत्व इसलिए है कि पानीपत में जब लड़ाई होती है तो शासक दल हारता है। लिख लो मेरी बात, जो भी देश का शासक रहा वो पानीपत में जब लड़ा तो हार गया, दूसरे आदमी ने कब्जा किया, अब शासक है बीजेपी। मैदान है पानीपत का, पानीपत की यहाँ पर पानीपत के अंदर रैली की सफलता इस दीवार की इस सरकार की नींव को हिला दे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहराया और भाजपा के कुछ नेता का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने काफी इसके खिलाफ बोला। और कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था जिसमें धर्म जीता था, अधर्म हारा था। बड़ी सेना हारी थी, छोटी सेना जीती थी, क्योंकि सिद्धांत था, इसलिए हमने कुरुक्षेत्र को चुना। और कुरुक्षेत्र भारत के राजनीतिक नहीं, धार्मिक संस्कृति का केंद्र है, इसलिए उसको सर करनाल भी दानवीर करण की नगरी है, तो ये भी एक बहुत मजबूत स्थल है, इस पर भी कुछ कहना चाहिए। करनाल राहुल गांधी ने इसके महत्व को समझते हुए करनाल शहर के अंदर से गुजरने का फैसला किया है ताकि करनाल के लोगों को प्यार प्रेम स्नेह और आशीर्वाद वो प्राप्त कर सके। ये भी चुना है कि करनाल के अंदर मैं रात को रुकूं ताकि करनाल। हाँ आप बोलिए।